हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले से पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं मैथमेटिक्स में आपका लगभग सभी मैंने कंप्लीट करा दिया सिलेबस। दोस्तों, अभी आप कुछ चैप्टर जो बचे हैं उसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों, आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन जो कि आपको पेपर्स में 5 से 6 नंबर को दिखेंगे, तो दोस्तों इसको आपको कंप्लीटली अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने इसको कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अच्छे से इसको टॉपिक्स को समझना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। आपको 5 से 6 नंबर का डिफरेंस रिलेटेड आपका टॉपिक है, तो 5 से 6 नंबर के आते हैं। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। और प्लीज, आप चैनल पर नए हैं और डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खासतौर दोस्तों, ये चैनल जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। यहां पर दोस्तों आपको सभी वीडियो और साथ में दोस्तों कोई भी जानकारी डिप्लोमा से रिलेटेड मिलती है तो आपको पहले मिलती है। तो प्लीज चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं आपसे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे आपसे टेंजेंट और आने वाली वीडियो में बात करेंगे नॉर्मल। दोस्तों, इसमें टेंजेंट का रूल आपको बताएंगे पहले, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दोस्त, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्त, शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट दोस्तों है कि इसका रूल जो होता है, ध्यान दीजिए, इसका रूल जो होता है कहता है दोस्तों कि बिंदु एक्स कॉमा वाई पर टेंजेंट का इक्वेशन, हम बात करेंगे यहाँ पर टेंजेंट, तो यहाँ पर बिंदु एक्स कामा वाई पर टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कितना दोस्तों, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ये होता है दोस्तों टेंजेंट का आपका इक्वेशन। अब दोस्तों, इसमें दो आपके बनते हैं टॉपिक बनते हैं, मतलब इसमें दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन ये होती है, यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के, दो स्थिति होती है इसकी, यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर है तो आपका जो साई होता है जीरो होता है, और डी वाई बाई डी इक्वल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अर्थात मतलब जब टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के, जैसे ही आपका ये है, इसके क्या होगा, समांतर होगा, आपका एक्स एक्सिस के समांतर होगा, तो आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी जीरो होगा, और आपका ये साई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर यदि दोस्तों यहीं पर कहा जाए, यदि टेंजेंट वाई एक्सिस के समांतर है तो आपका साई क्या होगा, 90 डिग्री होगा, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट, अर्थात डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल जीरो। अर्थात दोस्तों ये इसका उल्टा करेंगे, अर्थात 1/ इनफाइनाइट करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसीलिए मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इनफाइनाइट, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, ये आपके दो कंडीशन है, आने वाले वीडियो में जब आपका ये जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका ये फॉलो करेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहला आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द, दोस्तों आप इंग्लिश से बिल्कुल नहीं घबराइएगा, जो मेरे दोस्त हैं हिंदी मीडियम से, मैं उसको हिंदी में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू हाइपरबोला, हाइपरबोला इक्वेशन दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हाइपरबोला मतलब क्या होता है दोस्तों, अति परवलय, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट क्या दोस्तों, एक्स कमा वाई। तो आपको इसमें सोल्यूशन इसका देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपको इक्वेशन दिया गया है ये हाइपरबोला का, इसके एनी पॉइंट मतलब एक्स कमा वाई पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन आपको बताना है। आपको अतिपरवलय एक दिया गया है इक्वेशन, इसके एक्स कमा वाई पॉइंट पर आपको इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का। तो सिंपल क्या करना है, पहला पॉइंट दोस्तों इसका होता है, जैसे कि आपको डिफ्रेंशिएट का ही पार्ट है, तो हमने बहुत से वीडियो आपको 22+ वीडियो आपके लिए डिफरेंशिएशन के अपलोड किए, अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए दोस्तों इन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। तो दोस्त आपका ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट आप करेंगे, तो इसका दोस्तों हमको पहला पॉइंट है डिफरेंशिएट, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब इसको करेंगे हम क्या, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, सिंपली दोस्तों समझिएगा, हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस बी स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
और ये आपका इक्वल हो जाएगा जीरो, क्यों, वन का आपका डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होगा जीरो, तो वन अपान ए स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन अपान बी स्क्वायर इंटू टू आई डी वाई बाई डी एक्स। अब सिंपली आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को आपको निकाल लेना है। तो दोस्त यहाँ पर अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका सिंपली कितना आ जाएगा, अगर हम इस पार्ट को इधर भेजेंगे या इस पार्ट को इधर भेजेंगे तो आप इसको इसमें से टू पहले आप कॉमन लीजिए, तो लिख सकते हैं एक्स अपान ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपान ए स्क्वायर, हम इसको इधर ले जा रहे हैं क्योंकि प्लस करने के लिए, यहाँ पर वाई अपान बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सिंपली अब क्या करते हैं, हमको डी निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसी पार्ट को दोस्त हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसी पार्ट को हम लिख सकते हैं एक्स अपान ए स्क्वायर अपान वाई अपान बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए हम इसी पार्ट को एक्स अपान ए स्क्वायर लिखें, इस पार्ट को हम जब इधर भेजेंगे नीचे की तरफ जो आया यहाँ पर वाई अपान, ये अपान में है तो वाई अपान बी स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, ये आ गया दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा हम क्यों लिखें दोस्तों, इसको सरल आपका जब आप भाई इसको करेंगे कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से गुणा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, अब हमको क्या लिखना होगा, अब निकालना है क्या, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू पॉइंट एक्स कॉमा वाई, अर्थात लिखना होगा बिंदु x कमा वाई पर, क्या निकालना है, बिंदु x कमा वाई पर टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, तो आप लिखेंगे क्या बिंदु x कमा वाई पर टेंजेंट का इक्वेशन, सिंपल सी बात है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया है क्या है दोस्तों टेंजेंट का इक्वेशन, देख लीजिए आप, ये देखिए कैपिटल y माइनस स्मॉल y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, इसी को आपको क्या करना है सिंपली यहां पर लिखना है, तो लिखेंगे क्या दोस्तों कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, ठीक है कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। अब दोस्तों इसी में वैल्यू को क्या कर देते हैं पुट, तो दोस्तों आप जानते हैं y कैपिटल y और कैपिटल x वही रहेगा, स्मॉल y और x जो है वहां पर हम चेंज कर सकते थे, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसमें भी आपका स्मॉल x कामा y ही दिया गया है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, तो उसको भी आपको चेंज नहीं करना, चेंज क्या करना है दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स जो कि आपकी वैल्यू है एक्स अपान ए स्क्वायर वाई अपान बी स्क्वायर, सिंपली आपको यही पुट करना होगा, तो लिखना होगा कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी y by dx की वैल्यू हो गई x अपान a स्क्वायर, ठीक है अपान y अपान b स्क्वायर इनटू कैपिटल x माइनस स्मॉल x। अब दोस्तों सिंपली इसको हम इसको डिफरेंशिएट कर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका यहां पर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहां पर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर कितना आएगा, यहां पर दोस्तों जो आएगा आपका, यहां पर आपका आ जाएगा, ये आएगा दोस्तों कैपिटल y स्मॉल y अपान अपान कितना बी स्क्वायर, ये दोस्तों आ जाएगा वाई अपान वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स अपान ए स्क्वायर, और ये होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली हम क्या करते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं जिससे प्लस और माइनस एक साइड हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक साइड इसको लिखते हैं, किसको, हम इसी को लिख लेते हैं आपका ये इक्वेशन जो दिया गया है, इस पार्ट को हम इधर करते हैं, तो इसको लिखेंगे दोस्तों x को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पार्ट को इधर लेते हैं तो कैपिटल x स्मॉल x अपान ए स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस कैपिटल y स्मॉल y, ठीक है माइनस कैपिटल y स्मॉल y अपान क्या दोस्तों बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, यही आपका दोस्तों आंसर हुआ, यही आपका क्या हुआ टेंजेंट का जो है इक्वेशन हुआ, यही आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ। तो आपने क्या देखा यहां पर, इससे क्या हुआ कि x कमा वाई पॉइंट पर आपका जो आंसर आया वो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए अपान माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो आया कैपिटल x स्मॉल x अपान ए स्क्वायर माइनस कैपिटल b अपान कैपिटल y इंटू स्मॉल y अपान बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी वाई इक्वल टू बी कॉस क्यूब टी साइन क्यूब टी, और दोस्तों यहां दिया गया है ऑन पॉइंट टी,
आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, पहला पॉइंट है आपको x डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, तभी आपको टेंजेंट का आएगा। तो पहले आपको निकालना होगा डी एक्स अपान डी टी, फिर निकालना होगा डी वाई अपान डी टी, फिर इसके बाद आपको निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं x इक्वल टू, ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, ठीक है। अब इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, तो लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी, ये हो जाएगा ए, इसका दोस्तों करेंगे तो थ्री कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का होगा माइनस साइन टी। अगर हमारे दोस्तों आप पहले से वीडियो हमारे देख रहे होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल आपको तरीके से बता रहे हैं कि आपको हो जाएगा ए थ्री कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का हो जाएगा क्या डिफ्रेंशिएट, हो जाएगा आपका माइनस साइन टी। अब क्या करेंगे, अब अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये आपका आ गया दोस्तों क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो आप क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी टी में, इसको दोस्तों वाई इक्वल टू जो आपको दिया गया है बी साइन क्यूब टी, इसी का करेंगे तो बी बाहर हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा बी थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसी को लिख सकते हैं क्या, ये हो गया डी वाई, अब हम निकालते हैं क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, डी अपान हमको लिखना है कुल मिलाकर इसका एक दोनों का रेशियो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा थ्री बी साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपान, अपान क्या लिखेंगे, अपान दोस्तों आपको लिखना है डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू माइनस थ्री ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है, आपका इतना है। अब इसमें थ्री थ्री आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका आएगा वो बचेगा जो, उसी को आपको लिख लेना है। तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एक साइन टी को भी कैंसिल करेगा, एक आपका कॉस टी को कॉस टी भी कैंसिल करेगा, थ्री को थ्री से कैंसिल कर देंगे, आपका जो आएगा वो बचेगा क्या दोस्तों, वो बचेगा माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए ऊपर बचेगा दोस्तों आपका साइन टी, और नीचे बचेगा आपका कॉस टी, क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर बचेगा साइन टी और नीचे बचेगा आपका कॉस टी, ये आएगा किसकी वैल्यू, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालने के लिए पहले आपको निकालना है क्या डी एक्स अपान डी टी, फिर निकालना है डी वाई बाई डी टी, फिर निकालना है आपको डी वाई बाई डी एक्स, कैसे, दोनों का अनुपात करके। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, टेंजेंट का क्या निकालना है, इक्वेशन, तो आपको सिंपली यहां पर आपको समझना होगा और लिखना होगा कि अब लिखाना क्या दोस्तों, आपको किस पॉइंट पर, आपको बिंदु टी पर, बिंदु टी पर किसका, बिंदु टी पर टेंजेंट का इक्वेशन, तो लिखेंगे क्या, आपको इक्वेशन पता है दोस्तों, अभी हमने बताया है कैपिटल वाई, लिखेंगे क्या कैपिटल वाई, लिख दे रहे हैं फार्मूला दोस्तों फिर से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। तो सिंपली अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कैपिटल वाई को कैपिटल वाई आपको सिंपली लिखना ही है, ठीक है। अब हमको जो चेंज करना है उसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको चेंज किसमें करना है, ध्यान दीजिए y जो आपको यहां पर वैल्यू दिया गया है, y की वैल्यू आपको कहां पर आपको मिलेगी, y की वैल्यू आपको कहां दोस्तों, y इक्वल टू आपको दिया गया है पहले ही b साइन क्यूब टी, और x इक्वल टू a कॉस क्यूब टी, इसी की वैल्यू आपको क्या कर देना, पुट। तो दोस्तों यहां पर हमने पुट किया तो अब हो जाएगा b साइन क्यूब टी, और यहां पर आपका डी वाई बाई डी एक्स के बाद क्या होगा, यहां डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस बी अपान ए साइन टी अपान कॉस टी, सिंपली आप लिख दीजिए माइनस बी अपान ए साइन टी अपान कॉस टी, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स की जगह पर हम कितना रखेंगे ए कॉस क्यूब टी, आपको ये सब दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ध्यान दीजिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ पर ये पार्ट जो है, ध्यान दीजिए इस पार्ट को पूरे को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ए y, दोस्तों यहां पर आप कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी, चूंकि आपका अब यहां पर स्मॉल नहीं है तो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं ए वाई कॉस टी, ठीक है ए वाई कॉस टी माइनस ए बी साइन क्यूब टी कॉस टी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या होगा, माइनस बी एक्स साइन टी,
माइनस बी एक्स साइन टी माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस बी साइन टी कॉस क्यूब टी। ठीक है, इतना होने के बाद आपको सिंपली इसको आप हल करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा दोस्तों, पता है कितना आपको, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पर सिंपली देखिए ये बी एक्स है तो हम इसको लिख देंगे इधर, तो आपका हो जाएगा ये बी एक्स साइन टी। ठीक है, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा बी एक्स साइन टी, और ये प्लस ए वाई, ये ए वाई ये एक्स है आपका, ठीक है, ए वाई कॉस टी, ये आपका हो गया। अब इसी पार्ट को हम सिंपली क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, तो आपका यहाँ बी साइन टी ये कॉस क्यूब टी आपका ये पहले लिखा था, अब इसको जब इधर लाएंगे तो आपका लिखेंगे क्या दोस्तों, प्लस प्लस हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी साइन क्यूब टी कॉस टी। ठीक है, आपका यहाँ पर दोस्त जो था जब आप इससे मल्टीप्लाई किए थे तो आपका इसमें ए बी आया था, अब आप इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर सिंपली क्या आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका ए बी होगा, यहाँ पर भी चूंकि ए बी है तो यहाँ पर ए बी है, और यहाँ पर भी आप जब मल्टीप्लाई किए थे, ध्यान दीजिए जब इससे मल्टीप्लाई किए थे तो आपका इतना आया था, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंपली उतना ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको इसमें से क्या करना होगा, अब लेना होगा कॉमन, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए जब आप इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो मतलब क्या है कि अगर लिखेंगे बी एक्स साइन टी प्लस ए वाई कॉस टी। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन हो जाएगा ए बी साइन टी, और आपका हो जाएगा ए बी साइन टी और कॉस टी। ठीक है, और बचेगा क्या दोस्तों, जो बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू होगी वन, और आपका हो जाएगा बी एक्स साइन टी प्लस ए वाई कॉस टी। यहाँ पर हमने स्मॉल वाई स्मॉल एक्स लिए, कोई फर्क नहीं दोस्तों, चूंकि अब आपका कैपिटल एक्स लिखने की, कैपिटल वाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर स्मॉल वाई नहीं है, वहाँ पर डिफरेंस इसलिए दिखाना था इसलिए हम कैपिटल स्मॉल लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ए बी आपका साइन टी हो गया और आपका कॉस टी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये नीचे भेज देते हैं, जब आप नीचे भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका सिंपल दोस्तों हो जाएगा एक्स अपान ए कॉस टी प्लस वाई अपान बी साइन टी इक्वल टू वन। कैसे दोस्त, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आपका पहले आंसर होगा, पहले आप इसको देखो, ये आपका आंसर हुआ कैसे, ये बी एक्स अपान साइन टी है दोस्तों, इसको पूरे पार्ट को जब नीचे भेजेंगे तो बी बी कैंसिल होगा, और आपका साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा ए कॉस टी। उसी प्रकार इसमें आपका है ए कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा बी साइन टी, कॉस का कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दूसरी बात इसके और भी पार्ट आपको आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें आने वाले वीडियो के लिए। धन्यवाद।